हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनीज ब्लॉग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोनीज ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग होने वाला है जू से रिलेटेड। तो आज हम जा रहे हैं जू घूमने, और मेरे साथ मैं जा रही हूँ अपने आंटी लोग के साथ। तो यहाँ पे उन्हीं के साथ मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं जू जाने के लिए, और हमारे घर से जो है जू का रास्ता पड़ता है कम से कम तो 1 घंटा हमें लगा जाने में। और आप लोग को आज वीडियो पूरा शेयर करेंगे जू का, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल देखिएगा और कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। कहीं भी जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा इन्जॉयमेंट तो बच्चे लोग करते हैं, और हम लोग तो थक जाते हैं बच्चे लोग को उठाने में, क्योंकि ये जितने छोटे छोटे बच्चे को हम लेकर जा रहे हैं कि हमें गोद में उठाकर घूमना पड़ता है। तो यहाँ पे तो हम पूरा जू है ना देख नहीं पाए थे, लेकिन जितना भी देखा था आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि बच्चे को गोद में लेकर घूमना बहुत मुश्किल होता है जू में। तो यहाँ देखिए, मैं अव्यान को ले रखी हूँ, अभी से ये परेशान करने लग गया था। और आगे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। चलिए नेशनल जूलॉजिकल पार्क यानी कि चिड़ियाघर। और हमने यहाँ पे घर में ही ऑनलाइन टिकट कटवा ली थी चिड़ियाघर जाने के लिए, कि हमें वहाँ पे लाइन वाइन ना लगाना पड़े, जल्दी से हमें एंट्री मिल जाए। तो उसके बाद हम चले गए थे एंट्री जहाँ से होती है एंट्रेंस की तरफ, और वहाँ पे चेकिंग हो रही थी। पर्स वगैरह मतलब खाना वगैरह कुछ लेकर नहीं जा सकते थे अंदर, इसीलिए बहुत हार्ड चेकिंग हो रही थी। हम लोग आ चुके हैं जू के अंदर। हाय करो कृतिका, ब्लॉग में हाय। आपका ब्लॉग भी है? हाँ, यूट्यूब में डालती हूँ ना मैं, देखा है? बंगाल और तो अभी नेक्स्ट डालूंगी ना ये वाला घर में, मम्मी देखेगी। हाँ डालो जरा। हाय कर दो मेरे ब्लॉग में आने के लिए। आ जा बाबू, उधर आ जा, उधर जानवर को देखो। चलो 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 अंकुश, अभियान रुको, अभियान रुको रुको रुको। हाय कर दो, हाय कर दो, कर दो हाय। तो सबसे पहले हमने शुरुआत की है टर्टल से। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे टर्टल, और ये बहुत ही बड़ा था साइज में। और यहाँ पे कैटफिश भी थे, बहुत सारे कैटफिश थे इस तालाब में, छोटे से तालाब में। और ये टर्टल है, तो हमने सबसे पहले इसको देखा। उसके बाद आगे स्वान था ब्लैक कलर का, मतलब ऐसे तो वाइट 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 कलर के स्वान होते हैं, मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर के भी देखे हैं, वाइट भी होते हैं और ब्लैक भी होते हैं, बट यहाँ पे ब्लैक था, आपको दिख ही रहा होगा। ये देखिए, ये स्वान है। उसके थोड़े देर आगे चलते ही हमें दिखा वाटर बर्ड, जो कि बहुत सारे मात्रा में थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाटर बर्ड थे। आप देख सकते हो पेड़ पे बैठे हुए हैं, पानी में भी है बहुत सारे, और इतने बड़े बड़े थे ना यहाँ पे वाटर बर्ड, जो लंबे लंबे जिनके पैर होते हैं और बड़ी बड़ी चोंच होती है, मछली पकड़ के खाते हैं ना, वो वाले बर्ड थे यहाँ पे। आपको थोड़े दिख रहे होंगे क्लियर, जैसे अब
पेड़ के ऊपर मतलब पतले पतले टहने पे बैठे हुए थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे वो लोग बैठे हैं इतना। और यहाँ पे देखिए घोंसले बना के रखे हैं, इतने बड़े बड़े घोंसले थे ना ये वाटर बर्ड के ऊपर में, पेड़ के ऊपर बने हुए हैं, आपको दिख रहा होगा बहुत सारे वाटर बर्ड थे यहाँ पे और बहुत आवाज़ आ रही थी ये बर्ड का। तो उसके बाद फिर इसके ये देखने के बाद हम आगे निकलते हैं और भी जानवर देखते हैं, तो आपके साथ चलिए शेयर करते हैं। तो उसके पहले हम थोड़ा थक गए थे क्योंकि छोटे बच्चे को गोद में उठा कर ना यहाँ पे घूमना, क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है ये, तो यहाँ पे गोद में उठा के घूमते घूमते हम थक गए थे। और हमें ना यहाँ पे प्रैम या तो स्ट्रॉलर लेकर आना चाहिए था, बच्चे को उसमें बैठा कर घूम सकते थे हम, लेकिन हम लाना नहीं मतलब लेकर नहीं आए थे, हमें इतना आइडिया नहीं था। दिख रहा है आपको हिरन? पहली बार हम आए थे जूलॉजिकल पार्क में, हिरन का हिरन? तो उसके बाद हमने देखा यहाँ पे हिरन, और हिरन की अलग अलग कैटेगरी थे, मतलब अलग अलग प्रजाति के यहाँ पे हिरन थे। तो सबसे पहले हमने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि नाम तो मुझे नहीं पता है डियर का, अलग अलग जाति के डियर होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये वाले डियर देखा, उसके बाद और आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और इतना सुंदर लग रहा था देखने में ना, इतना क्लीन, इतना सामने से हम देख पा रहे थे, ज्यादा दूर भी नहीं था हमारे ये, और आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा कितना क्लियर दिख रहा है आपको ये। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे तार बिलार ऐसे कुछ नाम था, मतलब टाइप ऑफ जंगली बिल्ली कुछ ऐसा था। और उसके बाद हमने देखा यहाँ पे लोमड़ी, ये आप देख ही सकते हो, ये है लोमड़ी मतलब फॉक्स, और ये हमने देखा। उसके बाद आगे जाते ही हमने देखा, और ये मतलब ठंड के कारण क्या था ना कि सारे जानवर जो है वो अपने मतलब छिपे हुए थे, जैसे ये बनी हुई ना उनके लिए शेड वगैरह, उनके अंदर छिपे हुए थे वो। तो उसके बाद हमने यहाँ पे आगे आए तो हमने यहाँ पे राइनो देखा, राइनोसोरस मतलब कि गेंडा, और यहाँ पे दो गेंडे थे, और ये बहुत मतलब इतने सुस्त मतलब सोए हुए थे ठंड के कारण, शायद ये लोग जानवर नहीं निकल रहे थे अपने सामने नहीं आ रहे थे, दूर दूर में थे बहुत छिपे हुए। और आगे जाने के बाद हमें यहाँ पे चिड़िया देखी, बहुत सारे पैरेट और अलग अलग टाइप की चिड़ियाँ, बहुत सारे पंक्षी थे अलग अलग टाइप के। तो यहाँ पे देखिए जोड़े में बैठे हुए जितने भी पैरेट थे ना, अपने अपने जोड़े के साथ बैठे हुए थे, और अलग अलग मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के पैरेट थे जिसका नाम मुझे पता भी नहीं है अच्छे से। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे टाइप के अलग अलग पंक्षी थे, बहुत सारे थे, बाज गिद्ध बहुत सारे पंक्षी थे यहाँ पे, जिनका तो मुझे अच्छे से नाम भी नहीं पता है। और इतना टाइम हमने दिया ही नहीं नाम पढ़ने को, क्योंकि बच्चे से इतने परेशान हो गए थे ना, बच्चे को गोद में लेके रहना, बस हमने देखा और आगे 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 निकलते गए कि और देखते हैं जानवर, और जल्दी जल्दी देखने के बाद हम घर जाते हैं क्योंकि थक गए थे। और बुला बुला मम्मी को, ये बारिश में ये मोरनी है ना, ये व्हाइट मोरनी है, इंडियन मोर होता है ना, वैसे सिंह आ रहे हैं ऊपर वाले, और मोर के क्या है ना पीछे वो रहते हैं, मोर के पंख रहते हैं ऐसा, मोरनी के पीछे पंख नहीं रहते। चलो चलो आगे, चलो चलो आगे आगे चलो। आराम से चलना, बस गिरना मत। बड़े के लिए लड़के को कौन है, तेरा फोन का फायदा क्या है लड़के में आपके? वो रहा लायन, लायन लायन नहीं नहीं करेगा लायन। देखो कितना बड़ा है, चलो। अभी दहाड़ रहा था बहुत तेज से, अभी बंद हो गया दहाड़ना उसका। कितना बड़ा है, एक ही है लग रहा है, एक ही है क्या? तो बहुत सारे जानवर को देखने के बाद बारी आती है हमारे जंगल का राजा शेर देखने की। तो शेर के बिना तो चिड़ियाघर अधूरा ही है,
तो इसीलिए बिना शेर देखे हम वापस कैसे जा सकते थे, कितना भी हम थक गए हों लेकिन हमें शेर तो देखना ही था। तो हम यहाँ पे आ गए थे शेर देखने के लिए, और शेर की आवाज़ ना दूर दूर तक दहाड़ रही थी ना, वो हमें सुनाई दे रही थी। तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि हमें देखनी है, शेर को तो देखना है ही है हमें। उसके बाद हमने थोड़ा आगे हम गए तो हमें यहाँ पे हाथी देखने को मिला, और यहाँ पे हाथी भी, एक हाथी आपको दिख रहा होगा जिसके बड़े बड़े दांत है, वो शेड में छुपा हुआ है, बाहर नहीं आ रहा था शायद ठंड के वजह से। सारे जानवर जो है वो छुपे हुए अपने शेड के अंदर बैठे हुए थे, छुपे हुए थे। तो हम ज़्यादा देख नहीं पाए बहुत सारे जानवरों को, लेकिन जितना भी देखा आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक हाथी आपको दिख रहा होगा जो शेड के नीचे है, वो हमें दिख रहा है, और एक जो है शेड के अंदर था। तो उस वो हाथी देखने के बाद बारी आती है वाइट टाइगर देखने की। तो यहाँ पे देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है, शेर, वाइट टाइगर, इन सब के सामने ना इतना भीड़ था ना कि क्या बताऊँ मैं। सब कोई बहुत एक्साइटेड थे ये देखने के लिए, शेर को, चीता को और वाइट टाइगर देखने के लिए। तो हमने यहाँ पे वाइट टाइगर देखा, और दो वाइट टाइगर थे इस जू के अंदर। तो एक तो आपको दिख रहा होगा जो वॉक कर रहा है, और एक बड़े शांत से बैठा हुआ है, वो आपको दिखेगा बाद में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा वीडियो ले लिया, ये थोड़ा छोटा था और जो बैठा हुआ था वो काफ़ी बड़ा था वाइट टाइगर, और बड़ा खूबसूरत था देखने में, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं वो वाइट टाइगर को कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब ऐसा बोला जाता है कि वाइट टाइगर बहुत कम पाए जाते हैं। तो यहाँ दिल्ली में दो वाइट टाइगर है जो हमने देखा, और भी बहुत जगह होंगे। तो यहाँ देखिए वाइट टाइगर एक नीचे बैठा हुआ है और बड़े शांत से बैठा है अपने आप, और इसको देखा। उसके बाद हम आगे आ गए थे देखने के लिए ब्राउन टाइगर को। तो उसके पहले हम क्या देखे कि चीता देखे। तो ऐसे इन सबको तो खुले में रखा गया था, लेकिन जो चीता है उनको, उसको ना पिंजरे में रखा गया है। देखिए आप बता सकते हैं क्यों, क्योंकि आपको पता ही होगा, क्योंकि ये बहुत फास्ट दौड़ता है और बहुत लंबी छलांगे भी मारता है, तो इस वजह से उसे पिंजरे में रखा गया था। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे ब्राउन टाइगर जो कि बहुत पतला लग रहा था मुझे, मुझे लगा ये भूखा है। इसके पेट आप देख ही सकते हो कितनी भूख लगी होगी उसे, और यहाँ पे भी बहुत भीड़ था। तो यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड थे जो संभल के रहने बोल रहे थे कि गिर ना जाए। बहुत सारे बच्चे लोग जो होते हैं वो चढ़ के देखने लग जाते हैं। आपने तो एक न्यूज़ सुना ही होगा वायरल, जो गिर गया था, दिल्ली का ही न्यूज़ था वो, और वो टाइगर के पास गिर गया था। तो वो वाली न्यूज़ सुनने के बाद तो बहुत ही सतर्क रहना बनता है। तो उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे देखने के लिए ऑस्ट्रिच। ये देखिए कितनी, मतलब सबसे बड़ा पक्षी यही है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना। दो ऑस्ट्रिच थे यहाँ पे और ये वॉक कर रहे थे, और बहुत ही पास से हम देख पा रहे थे इसको। उसके बाद हम ज़्यादा आगे नहीं गए, जैसे मगरमच्छ देखने, स्नैक देखने, तो वो सब देखने हम नहीं गए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और बच्चे लोग भी बहुत थक गए थे, और भूख भी लग रही थी, क्योंकि अंदर कुछ खाने को नहीं मिलता है और कुछ खाने को ले जा भी नहीं सकते हैं। आप देख ही सकते हो मेरी हालत कैसे, मैं बच्चे उठा के आगे निकल गई। फिर हम आ गए थे बाहर, जू के बाहर, और यहाँ गाड़ी में, और उसके बाद हम निकल गए बाहर खाने के लिए। तो ये देखिए हमने खाया दही के शोले, और अपने घर के तरफ निकल गए खाना पैक करवा के कि घर जाके खाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें प्यारे प्यारे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू, टेक केयर।